हाय गाइस वेलकम बैक टू क्वेश्चन इंस्टीट्यूट दिस इज पंकज त्रिवेदी बच्चों आज का जो वीडियो है वो है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एस वाई जे सी की पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए अगर आप एस वाई जे सी स्टैंडर्ड ट्वेल्थ कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है बच्चों आपके एस वाई जे सी कॉमर्स में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि उस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है सो so, टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट एस वाई जी सी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड कॉमर्स स्टूडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इट्स अबाउट सिलेबस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आप सबके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक आ चुकी होगी नहीं आई तो जल्द से जल्द ले लीजिए अगर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में आप इंडेक्स में देखेंगे तो टोटल आपको दस चैप्टर्स दिखाई देंगे आज मैं उन दस चैप्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको इंस्ट्रक्शंस देने वाला हूँ थोड़ा थोड़ा आइडिया देने वाला हूँ डिटेल में उन चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे ऑनलाइन लेक्चर्स में ऑफकोर्स और डिटेल में हम ये भी समझेंगे कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेपर पैटर्न क्या होगा बोर्ड का पेपर पैटर्न क्या होगा किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा वो सब बात की बात है पहले ये तो आइडिया ले लें कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में कितने चैप्टर्स हैं तो आइए शुरू करते हैं आप देख सकते हैं बोर्ड पे टोटल टेन चैप्टर्स है यहाँ पर पांच दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर पांच दिखाई दे रहे हैं शुरू करते हैं सिलेबस ऑफ बुक कीपिंग स्टेट बोर्ड जी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक आप चाहे तो पास में रख सकते हैं और अगर ना भी हो तो आपको यह समझ में आ जाएगा देखिए दस चैप्टर्स आपके सामने हैं ये पहले पांच का आइडिया लेते हैं पहले सबसे पहला चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है नाम क्या लिखा है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स बच्चों पार्टनरशिप क्या है ये डिटेल में आप लोग एफ आई में पढ़ चुके हो एफ आई में आपका सब्जेक्ट था ओ सी एम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट उसमें आपका चैप्टर नंबर फोर था अगर आपको याद हो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ चुके हो पार्टनरशिप क्या है पार्टनरशिप का मीनिंग डेफिनेशन उसके मेरिट्स डीमेरिट्स टाइप्स ऑफ पार्टनर्स टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप सब कुछ एफ वाई जी सी एलेवेंथ स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो लेकिन फिर से ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में इंट्रोडक्शन में थोड़ी बहुत थेरी फिर से आपको पढ़ने मिलेगी जैसे कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है डेफिनेशन क्या है उसके फीचर्स क्या है तो एक पार्ट में हम इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप पढ़ेंगे अकाउंट्स को लेकर पार्टनरशिप uh, के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है थोड़ा अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर पार्टनरशिप हम पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स बच्चों आपको एफ में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में एक चैप्टर था जिसका नाम था फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न याद होगा आपको फाइनल अकाउंट्स ऑफ ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न किसके बारे में था सोल ट्रेडर के बारे में अगर कोई अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है तो उसके फाइनल अकाउंट्स को कैसे बनाया जाए वो आप सीख चुके हो एफ में तो अभी हम सीखेंगे कि अगर पार्टनरशिप में पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है एक्ट भी मैं आपको बता दू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन इज एप्लीकेबल तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक अगर हम पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं अगर हम पार्टनर्स मिलकर बिजनेस करते हैं तो हमारा फाइनल अकाउंट्स कैसे बनेगा तो ये डिटेल में आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला है कि पार्टनरशिप क्या है इंट्रोडक्शन है थोड़ा बहुत लेकिन डिटेल में आप पढ़ोगे उसके फाइनल अकाउंट्स के बारे में सब कुछ वॉट इज गिवन इन द प्रॉब्लम वॉट डू वी हैव टू प्रिपेयर जैसे एफआई जी सी में हमको फाइनल अकाउंट्स में दिया होता था ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स और हमको बनाना होता था ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तो यहाँ पर भी वो फिर से आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा बैलेंस शीट बनेगी और एक वर्किंग नोट में एक्स्ट्रा अकाउंट और बनेगा जिसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट डिटेल में जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे ऑनलाइन लेक्चर्स में तब आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी एट ए ग्लांस थोड़ा आइडिया ले लीजिए समझ लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर क्या है एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया फर्स्ट चैप्टर क्या है इज दैट क्लियर ओके तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सेकेंड चैप्टर इसका नाम है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बच्चों एक वर्ड है एनपीओ देखिए शॉर्ट में लिखा है मैंने एनपीओ का फुल फॉर्म है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि अगर आप कोई एन चला रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न चला रहे हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जैसे कि कोई स्कूल है कॉलेज है हॉस्पिटल है क्लिनिक है लाइब्रेरी है स्पोर्ट्स क्लब है जिमनेशियम है अगर आप ये सब ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं यहाँ तक कि आपका गणेशोत्सव मंडल है नवरात्रि का मंडल है ये सब एनपीओ का हिस्सा है ये सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं तो अगर आप ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो उसका हिसाब किताब कैसे रखेंगे उसका फाइनल अकाउंट्स कैसे बनेगा वो आपको ये चैप्टर सिखाएगा जिसका नाम है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बच्चों चैप्टर आपको तभी आएगा अगर आपको फाइनल अकाउंट्स आएगा तो दिस चैप्टर इज एंटायरली बेस्ड ऑन फाइनल अकाउंट्स चैप्टर नंबर टू समझ गए अगले तीन चैप्टर्स बच्चों ध्यान से देखिएगा अगले तीनों चैप्टर्स का नाम एक ही दिख रहा है आपको लेकिन ब्रैकेट में उसका डिस्क्रिप्शन दिया है देखिए चैप्टर नंबर थ्री रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फोर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड फिफ्थ इज ऑल्सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तीनों का हेडिंग एक ही है लेकिन ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है यहाँ लिखा है एडमिशन ऑफ पार्टनर यहाँ लिखा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर यहाँ पे लिखा है डेथ ऑफ पार्टनर बच्चों रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है पार्टनरशिप में जब पार्टनर्स बिजनेस कर रहे होते हैं तो बिजनेस करते करते जब आपस में उनके बीच में रिलेशंस बदल जाते हैं उनके बीच में रेशियो बदल जाता है कुछ भी पार्टनरशिप के बिजनेस में अगर कुछ बदलाव आता है चेंजेस आते हैं तो उन चेंजेस की वजह से पार्टनरशिप का फिर से पुनर्गठन करना पड़ता है उसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन कभी कभी दो पार्टनर्स बिजनेस कर रहे होते हैं और और एक पार्टनर की एंट्री हो जाती है उसको कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर कभी कभी हो सकता है तीन या चार पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं उसमें से एक या दो पार्टनर छोड़ के चले जाते हैं उसको कहा जाता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनरशिप में पाँच सात दस पार्टनर्स हैं उसमें से एक या दो की डेथ हो जाए तो उसको कहते हैं डेथ ऑफ पार्टनर्स तो बच्चों ये जो घटनाएं होती हैं जब कोई नया पार्टनर आता है उसको कहते हैं एडमिशन कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है उसको कहते हैं रिटायरमेंट किसी की डेथ हो जाती है उसको कहते हैं डेथ ऑफ पार्टनर ये सब जो घटनाएं हैं इन घटनाओं की वजह से आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में जो चेंजेस आते हैं उसको कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये तीनों अलग अलग चैप्टर्स हैं जिनको हम डिटेल में सीखेंगे एडमिशन होने से बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं जैसे कि ए और बी दो दोस्त थे पाँच साल पहले उन्होंने बिजनेस शुरू किया था आज पाँच साल के बाद उनका तीसरा दोस्त सी भी आके उनसे कहता है कि मुझे भी पार्टनर बना लो ना प्लीज़ तो ए और बी अपने तीसरे दोस्त सी को जब पार्टनर बनाएंगे तो उसको कहा जाएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे वो ये चैप्टर आपको सिखाएगा दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए ए बी और सी तीन पार्टनर्स थे उसमें से सी जो है वो शायद बीमार रहता है या बूढ़ा हो चुका है रिटायर होना चाहता है और वो छोड़ के जाना चाहता है तो अगर ए बी सी में से सी चला जाएगा तो पार्टनरशिप के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या असर होगा वो आपको सिखाएगा ये चैप्टर जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या पार्टनर्स थे ए बी सी उसमें से किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई समझो ए की डेथ हो गई तो बचे कौन बी और सी तो बी और सी उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे मैनेज करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या चेंजेस आएंगे उसको कहा जाता है डेथ ऑफ पार्टनर इन शॉर्ट ये तीनों चैप्टर्स का हेडिंग आपको दिखाई दे रहा है वंस अगेन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप में जो बदलाव आते हैं चेंजेस आते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज में जो चेंजेस आते हैं इन तीनों घटनाओं की वजह से उसको कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ पार्टनरशिप डिटेल में ये चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेटली ऑनलाइन लेक्चर्स में तो ये पहले पांच चैप्टर्स का आइडिया आपको आ गया अगले पांच में अगर हम जाते हैं तो छठा चैप्टर और एक आपको दिखाई दे रहा है वो भी पार्टनरशिप से रिलेटेड है यू कैन सी द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर सिक्स इज रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जब पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा होता है और जब पार्टनर्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो सकता है कि बिज़नेस लॉस में जा रहा है हो सकता है कि पार्टनर्स के आपस में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं झगड़े हो रहे हैं हो सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है कोई भी रीज़न reason हो रीजन्स कैन बी एनी थिंग बट उन रीजन्स की वजह से जब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हम पूरे पार्टनरशिप के बिजनेस को क्या करेंगे क्लोज करेंगे बंद करेंगे डिसकन्टिन्यू करेंगे उसको कहा जाता है डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यहाँ पर पार्टनरशिप डिजॉल्व नहीं हो रही है पार्टनरशिप फर्म ही डिज़ोल्व हो रही है मतलब दुकान बंद फैक्ट्री बंद प्रोडक्शन बंद डिस्ट्रीब्यूशन बंद एवरी थिंग इज़ क्लोज डाउन तो जब ये घटना होती है जिसमें पार्टनर्स अपने बिजनेस को बंद करते हैं तो उसमें हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट पे क्या असर होगा कैसे सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ठिकाने लगाया जाएगा कैसे हम सारी एसेट्स को बेचेंगे कैसे हम लोगों के कर्ज़ चुकाएंगे कैसे हम सबको पेमेंट करके पूरा वाइंड अप करके पार्टनर्स आपस में पैसा बांटेंगे ये पूरा एक प्रोसेस है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा गया है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर अगर आप ध्यान से देखें ना बच्चों तो SYJC में ट्वेल्थ में कॉमर्स में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पांच चैप्टर्स है जो पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड है पांच चैप्टर्स देर आर फाइव चैप्टर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप देखिए पहला आपका हो गया इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स बाद में ये तीनों चैप्टर्स रिकॉन्स्टिट्यूशन तीन और ये चार और ये पांचवा है ऑफ पार्टनरशिप सोचिए पार्टनरशिप पार्टनरशिप कितना इंपॉर्टेंट है से रिलेटेड हिसाब किताब ज्यादा से ज्यादा आपको सीखने मिलेगा दस में से पांच चैप्टर सिर्फ पार्टनरशिप के बारे में तो ऑफ ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट तो हो गई है ना ये छह चैप्टर्स के बाद आगे के चार चैप्टर्स पे ध्यान दीजिए आखिरी चार सातवां है बिल्स ऑफ एक्सचेंज बच्चों जब आप फाइनल अकाउंट्स सॉल्व करते हैं एफ आई जी सी में आपने फाइनल अकाउंट सॉल्व किया होगा तो उसमें दो वर्ड्स बार बार आते होंगे एक बिल्स रिसिएबल और एक बिल्स पेबल ये बिल्स रिसिएबल और बिल्स पेबल दोनों को मिल के कहा जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज जो जब उधारी में गुड्स को बेचा जाता है तो सेलर बायर पे वो डॉक्यूमेंट ड्रॉ करता है डिटेल में वो डॉक्यूमेंट क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है उसके लिए भी कानून बना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एटीन हमारी सरकार नहीं बल्कि अंग्रेज़ सरकार अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे ये कानून यहाँ तक कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज़ आल्सो पासड इन द ईयर 1932 तो ऐसे बहुत सारे पुराने कानून हैं जो अंग्रेज सरकार ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे लेकिन अब उनको हमारी सरकार चेंज भी कर रही है बदल भी रही है मॉडिफाई भी कर रही है उनको कहा जाता है अमेंडमेंट्स जब कानून में बदलाव किए जाते हैं उनको कहा जाता है अमेंडमेंट्स तो इसका भी एक्ट बना था उस एक्ट के मुताबिक जब कोई सेलर बायर को उधारी में गुड्स बेचता है और वो बायर कहता है कि मैं पेमेंट दो तीन महीने बाद दे दूँगा तो वो सेलर बायर को कहता है कि मुझे एक पेपर साइन करके दीजिए उसमें ये लिखा होगा कि आप मुझे मेरा पैसा दो तीन महीने बाद दे दोगे और बायर उस पेपर को साइन करके देता है उस पेपर का नाम है बिल ऑफ़ एक्सचेंज इट्स अ डॉक्यूमेंट इट्स अ नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट मतलब द डॉक्यूमेंट विच कैन बी ट्रांसफर्ड और बिल बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या है बिल्स पेबल का मतलब क्या है ड्रॉहर का मतलब क्या है ड्राॅ का मतलब क्या है पेई का मतलब क्या है अलग अलग केसेस होते हैं जिसमें बिल बैंक को भेजा जाता है उसको कहते हैं बिल डिस्काउंटेड बिल एंडोर्स क्या होता है बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन क्या होता है दुनिया भर के टर्म्स आपको इस चैप्टर में सीखने मिलेंगे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको सीखने मिलेंगे ड्यू डेट क्या होता है नॉमिनल ड्यू डेट क्या होता है हाउ मेनी डेज ऑफ ग्रेस आर अलाउड सब कुछ डिटेल में ये चैप्टर आपको सिखाएगा जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ कोर्स इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ठीक है ये हो गया चैप्टर नंबर सेवन आज मैं यहाँ पर आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ बच्चों मैं आपको इन चैप्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताने आया हूँ थोड़ा थोड़ा आइडिया देने आया हूँ वो आइडिया ले लीजिए बाद में डिटेल में ऑनलाइन लेक्चर्स में तो हम पढ़ने ही वाले हैं डोंट वरी बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद ये आठवां चैप्टर जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स बच्चों आपने एफ आई सी में ओ सी एम में पार्टनरशिप के साथ साथ जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में भी पढ़ा होगा कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इट इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ कॉमन सील एंड परपेचुअल सक्सेशन टाटा बिरला रिलायंस पार्ले ए कितनी सारी हजारों कंपनियां हमारे लाखों कंपनियां हमारे देश में चल रही है वो कंपनी अपना बिजनेस कैसे करती है वो ज़्यादातर कंपनियां अपना बिजनेस करती है शेयर्स को इशू करके तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनके पास पैसा कहाँ आता है कहाँ से आता है कैसे आता है शेयर्स को इशू करके ये चैप्टर आपको कंपनी अकाउंट्स का पार। एक पार्ट है इशू ऑफ शेयर्स इसके बारे में सिखाएगा ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि शेयर क्या है शेयर का मीनिंग मैं आपको कहूँ तो आपको ताजुब होगा शेयर का मीनिंग है शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी जी हाँ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी डिटेल में पढ़ेंगे जब यह चैप्टर आएगा तो शेयर क्या है उसके डेफिनेशन क्या है शेयर्स के कितने टाइप्स है इक्विटी शेयर क्या होता है प्रेफरेंस शेयर क्या होता है प्रेफरेंस शेयर्स के भी आठ टाइप्स होते हैं क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग रिडिमेबल इन रिडिमेबल कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल विच आर ऑल्सो टू बी कलेक्टेड बाय द कंपनी आर ऑथोराइज कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है इश्यूड कैपिटल क्या होता है अन अनइश्यूड क्या होता है सब्सक्राइब क्या होता है अनसब्सक्राइब क्या होता है कॉल्ड अप पेड अप कॉल्स इन अरियस इस चैप्टर में बच्चों एस पी स्टूडेंट्स को ज़्यादा फायदा होने वाला है जी हाँ अगर आपने एस पी लिया है तो ऑलरेडी एस पी में आप थेरी में ये सब पढ़ने ही वाले हों कि शेयर क्या है शेयर के कितने टाइप्स है उसका मीनिंग फ़ीचर्स डेफिनेशन एस पी स्टूडेंट्स को डबल फ़ायदा होगा एस पी में तो पढ़ेंगे ही और अकाउंट्स में थियरी के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी सीखने मिलेंगे कि जब कंपनी शेयर इशू करती है और पब्लिक उन शेयर्स का पैसा देते हैं देती है कंपनी को तो कंपनी उनकी एंट्रीज कैसे पास करती है एप्लीकेशन मनी क्या होता है अलॉटमेंट मनी क्या होता है कॉल मनी क्या होता है फोर फीचर क्या होता है दीज आर द डिफरेंट टर्म्स जैसे हर एक चैप्टर से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी होगी कुछ वर्ड्स होंगे जो उस चैप्टर में बार बार यूज किए जाएंगे वो सब भी हम सीखेंगे प्रॉब्लम्स भी सीखेंगे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है वो भी हम सीखेंगे सो एथ चैप्टर इज़ अबाउट कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर्स इसमें और भी कुछ चैप्टर्स हुआ करते थे ओल्ड सिलेबस में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हुआ करता था लेकिन अभी इशू ऑफ डिबेंचर्स सिलेबस में नहीं है आपको सिर्फ है इशू ऑफ शेयर्स नाइन्थ चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है ये चैप्टर किसी जमाने में बीकॉम में हुआ करता था टी वाई बी कॉम बी कॉम लास्ट ईयर में जो अभी पिछले कुछ सालों से आपको एस वाई जी सी में पढ़ने को मिल रहा है चैप्टर का नाम है एनालाइजिस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बिजनेस को मैनेज करने वाले मैनेजर्स ये जानना चाहते हैं कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिज़नेस में हमको क्या फ़ायदा हो रहा है पिछले पाँच साल से बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में वो जानना चाहते हैं तो ये सब जानने के लिए वो अपने अकाउंटेंट से अलग अलग स्टेटमेंट्स बनवाते हैं उन स्टेटमेंट्स का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स में आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट कम्पेरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें पिछले चार पाँच साल का कंपेरिजन किया जाता है बहुत सारे कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट होता है कितना कैश पिछले कुछ सालों से आया गया कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया और पिछले पाँच या दस साल से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है ट्रेंड एनालिस का स्टेटमेंट होता है अलग अलग टाइप के रेशियोज होंगे जो ये चैप्टर आपको सिखाएगा जी पी रेशियो यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है क्विक रेशियो क्या होता है करंट रेशियो क्या होता है बहुत सारे रेशियोज़ आपको इस चैप्टर में सीखने मिलेंगे मतलब जब आप जानना चाहते हैं कि मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ वो बिज़नेस की सिचुएशन क्या है उसका स्टेटस क्या है क्या मैं इस बिज़नेस को और आगे बढ़ा सकता हूँ या मुझे ये बिज़नेस बंद कर देना चाहिए उसके लिए आपको अलग अलग टाइप्स के फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और वो फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं कैसे बनते हैं वो ये चैप्टर आपको सिखाएगा जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सबसे आखिर में चैप्टर नंबर टेन इट्स अ थेरी चैप्टर ज़्यादातर इन दोनों में थेरी आएगा थियरी क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे कंप्यूटर इन अकाउंटिंग आजकल कंप्यूटर का ज़माना है आईटी का ज़माना है हर जगह पे हर ऑफिस में कंप्यूटर आ चुके हैं कंप्यूटर्स आ चुके हैं यहाँ तक कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी अभी नोटबुक में या किताबों में नहीं लिखा जाता सब कुछ कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बना के उसमें फीड किया जाता है तो किस तरह से डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कैसे टैली नाम का सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने में ये जो हम ड्रॉ करते हैं अपने हाथों से ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट वो कंप्यूटर में कैसे फीड किया जाता है वो सिस्टम क्या है किस तरह से उसको सीखा जाता है किस तरह से उसको सिखाया जाता है वो ये चैप्टर आपको सिखाएगा कंप्यूटर अकाउंटिंग के फीचर्स क्या है उसके मेरिट्स क्या है डी मेरिट्स क्या है अलग अलग टर्म्स अलग अलग टाइप के पैकेजेस होते हैं जो आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां प्रोवाइड करती हैं आप अपने बिजनेस और कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हैं या स्पेशल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बुला के आप उसके पास वो सॉफ्टवेयर बनवा भी सकते हैं तो ज़्यादा लेंदी नहीं है थोड़ा बहुत आपको थेरी है जिसको पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में जिसका नाम है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग so in such a way there are all together 10 chapters in SYJC 12th standard commerce Maharashtra State Board the subject is bookkeeping and accountancy I hope आपको समझ में आ गया होगा लेकिन हमेशा की तरह ऊपर ऊपर से एक बार फिर से आपको 10 के 10 chapters का idea दे दूँ are you ready yes of course I know first है introduction to partnership and पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स ये आपको पार्टनरशिप के बारे में थोड़ी बहुत थेरी और पूरा फाइनल अकाउंट सिखाने वाला है पूरा जिसमें आप तकरीबन 40 से 50 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब जाके आपको आइडिया आएगा कि फाइनल अकाउंट क्या है दूसरा चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जिन जिसको हम शॉर्ट में एन यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं अगर आप ऐसा कोई एन या नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न चला रहे हैं तो उसका अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया जाता है उसका फाइनल अकाउंट्स कैसे बनता है अगले तीनों चैप्टर्स आप देख सकते हैं थ्री फोर फाइव हेडिंग है कि है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप में जो चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस आने के कारण हो सकते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ़ पार्टनर और इन घटनाओं की वजह से जो चेंजेस आते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनका बुक्स ऑफ अकाउंट पे क्या असर होता है कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज पास की जाती है वो ये तीन चैप्टर्स आपको सिखाएंगे छठा है जब पार्टनरशिप का बिजनेस बंद करना है तो उसको कैसे बंद करें किस प्रोसेस को फॉलो करें एक्ट में क्या बातें लिखी है व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाट आर द स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड वो आपको डिजोल्यूशन में पता चलेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज डॉक्यूमेंट होता है एक बिल ऑफ़ एक्सचेंज जिसको बिल्स रिसिबल और बिल्स पेबल के नाम से अलग अलग लोग बुलाते हैं उसमें जब एक बंदा दूसरे बंदे पे बिल ड्रॉ करता है तो उसकी कौन कौन सी एंट्रीज पास की जाती है ड्रॉ ड्रॉई पे ड्यू डेट बहुत सारे टर्म्स और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स होंगे जो ये चैप्टर आपको सिखाएगा एंड ऑफकोर्स एंट्रीज भी सिखाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करना भी सिखाएगा कंपनी अकाउंट्स में हम सीखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में शेयर्स और उनके टाइप्स कैपिटल कितने टाइप का हो सकता है फो फीचर कॉल्स ऑन शेयर्स अलॉटमेंट एप्प्लीकेशन दी इसमें भी आपको अलग अलग टर्म्स मिलेंगे डिटेल में ये चैप्टर आप सीखोगे एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अभी मैंने कहा कि आप जानना चाहते हो अपने बिज़नेस के स्टेटस के बारे में और पूरी जानकारी आपको चाहिए कि हमारे बिजनेस का की जो रियल फाइनेंशियल पोजिशन है वो क्या है तो उसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं कुछ रेशियोज़ है कुछ टेक्निक्स है कुछ टेबल्स है कुछ फैक्ट्स है कुछ डेटा है, कुछ data है उन डेटा की मदद से हम ये जानते हैं कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है चैप्टर हमको सिखाएगा जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दसवां और आखिरी चैप्टर उसका नाम है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग ये आपको कंप्यूटर इन अकाउंटिंग कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो सिखाएगा सो दैट्स दी दैट्स दी सिलेबस ऑफ एस वाई जी सी कॉमर्स स्टूडेंट्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इसके बाद और भी वीडियोज़ बनेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को लेकर जिसमें मैं आपको जैसे मैंने कहा पेपर बैटर्न बताऊँगा किस चैप्टर में से कितना पूछा जाएगा कितने मार्क्स का उसका वेटेज क्या है लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए जब तक दूसरा वीडियो नहीं आता तब तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए समझिए और जल्द से जल्द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक ले लीजिए तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है फिर आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय